देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। अपना घर हर किसी का सपना होता है, लेकिन एक जमाने में रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी कंपनी यूनिटेक ने ऐसे घर खरीदारों के सपनों के साथ जमकर खिलवाड़ किया है। अब यूनिटेक में घर खरीदने वाले लाखों ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार कर्ज में फंसी यूनिटेक को ओवरटेक करने को तैयार हो गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। यूनिटेक को ओवरटेक करने के बाद कंपनी के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। यूनिटेक का मैनेजमेंट कंट्रोल भी सरकार के हाथ में होगा, यानी कंपनी के सभी बड़े फैसले सरकार अपनी सूझबूझ से लेगी। सरकार ने साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट को यूनिटेक को टेकओवर करने का प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि कर्ज में डूबी यूनिटेक को किसी एजेंसी को सौंपे जाने की तुरंत जरूरत है, ताकि हजारों घर खरीदारों को रहने के लिए अपनी छत मिल सके। हालांकि सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वो अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा नहीं लगाएगी। यूनिटेक पर घर खरीदारों की खून पसीने की कमाई हड़पने के गंभीर आरोप है। यूनिटेक लिमिटेड को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने घर खरीदारों के पैसे का इस्तेमाल मकान का निर्माण करने में नहीं किया, बल्कि उन्हें टैक्स चोरी वाले देशों में भेज दिया। फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिटेक ने 2006 से 2014 के दौरान 29,800 घर खरीदारों से करीब 14,270 करोड़ रुपए लिए। यूनिटेक ने इस रकम के 40% हिस्सा यानी 5,063 करोड़ का इस्तेमाल घर बनाने के लिए नहीं किया। यूनिटेक ने बैंकों से 1,805 करोड़ रुपए जुटाए। बैंकों से जुटाई 763 करोड़ की रकम का इस्तेमाल नहीं किया। कंपनी ने 74 प्रोजेक्ट्स के लिए घर खरीदारों वित्तीय संस्थानों से पैसे जुटाए। ये रकम यूनिटेक ने दूसरे टैक्स हेवन देशों में निवेश किया, जबकि प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़ दिया। आज हजारों घर खरीदार अपने ही घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ खरीदारों ने तो अपने मकान के लिए लिया बैंक लोन तक खत्म कर दिया है, लेकिन अब तक उन्हें अपना घर नहीं मिल सका। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा घर खरीदारों से हेरा फेरी के आरोप में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। सरकार के यूनिटेक को ओवरटेक करने से हजारों घर खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।